गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। चलिए आज सुबह सुबह की तैयारी हो गई है। स्वीटू को भी चाय पीने बैठ गए हम लोग। चाय और खारी बटर नाश्ते में है। और स्वीटू देखो आके सु तने सु खाओ छे चाय पी भी छे। हाँ, उसको भी चाय बटर खारी सब खाना है। जो अपन हम लोग खाते हैं ना, वो उसको भी सब खाना रहता है, पर उसको नहीं देते हम लोग। और आज हमारा है त्यौहार है, रांदल छत है। चाय और खारी और बटर भी है साथ में। चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं। सुबह सुबह किचन में काम चालू है। सुबह ना है सामरे दही, दोस्तों दही बना रहा हूँ। दही जम मतलब जमा रहा हूँ, बना रहा हूँ दही जमा रहा हूँ। काले सुचे सातम जटले। कल सातम है, इसलिए हम लोग को पानी पूरी और वगैरह सब खाना है। एक्चुअली क्या है, हम लोग का गुजराती लोग का त्योहार मतलब आज से स्टार्ट हुआ। आज रांदल छत है, अभी पूरा मतलब कल का तैयारी कर देंगे। मतलब जो कुछ भी है, थेपला पानी पूरी है वो सब, क्योंकि कल सातम और आठम दो दिन ऐसा मतलब ठंडा खाना खाया जाता है। आठम नु तो आपरी खाए, खाली सातम नु ठंडा खाना खाया जाता है। तो आज मतलब सब तैयारी करके फिर शाम को ये जो गैस है पूरा, वो मेरी वाइफ सफा पूरा कर लेगी। फिर मतलब वो जो आम के जो पौधे रहते हैं, वो पौधे लगा के उसकी पूजा करेंगे। वो भी हम लोग लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये आम का पौधा मैं सुबह सुबह लेके आया था, गैस के ऊपर रख के इसकी पूजा की जाएगी। ये गुठली के साथ ही है, देख लीजिए ऊपर। ये गुठली के साथ ही है, दो है ना, बेच है ना। टाइम सांझ सुधी तो था ऐसा ना, शाम तक तो दही भी हो जाएगा तैयार। शाम तक दोस्तों दही तैयार हो जाएगा, मतलब जम जाएगा, तैयार नहीं हो जाएगा, जम जाएगा। पर वो दही जमाने की भी एक टेक्निक होती है, नहीं दूध ज्यादा गर्म, नहीं ज्यादा ठंडा। मतलब जो नॉर्मल दूध रहता है ना, तो ही उसमें दही जमता है। अगर गर्म गर्म में करोगे तो नहीं जमेगा, और ठंडे दूध में भी करोगे मतलब एकदम ठंडा हो गया, गर्म करके एकदम ठंडा हो गया, तो भी वो दही नहीं जमेगा। ऐसा है, मतलब वो मीडियम वार्म रहता है ना, वो तभी दही जमता है। मिनट से मिक्स करीस, वो तकरीबन दो तीन मिनट ऐसा मतलब मिक्स करना पड़ता है। वो दूध वाले भैया करते हैं ना, जो मुच्छड़ वाले बोती बोती डाल के, वैसा बन जाना पड़ता है पांच मिनट के लिए, तभी वो दही अच्छी तरह से जमा होता है, जमता है, जमा नहीं होता है, जमता है। इसमें दही और दूध डाल के मिक्स हो गया, अभी दही जमने रख देंगे इस तरह। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑर्डर पे, अभी बज गए है 11:15 हो गई है। बस अभी मैं निकल रही हूँ ऑर्डर पे। मैं आ जाऊँगी शायद 4:30 बजे तक आ जाऊँगी। उसके बाद कल की तैयारी करूँगी खाने की। आज थेपला बनाना है मेथी डाल के, और पानी पूरी का रगड़ा वो सब बनाना है। तो मैं आती हूँ शाम को 4 बजे, तो आपको मिलती हूँ, बाय। चलिए मैं आ गई अभी 4:30 बजे ही घर पे आ गई। अभी मैं कल की खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मुझे कल सातम है, इसलिए थेपला और पानी पूरी सब बनाना है, इसलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ। मैंने आके ही कुकर में आलू बॉईल होने रख दिया है, और मेथी छोटी छोटी कट करके रख दिया। अभी मैं उसके थेपले बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये हमारा दही भी जम गया है, सुबह हम लोग ने बनाया था ना, तो अभी ये 5 बजे तक तो ये दही भी अच्छी तरह से जम गया है। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, ये हमें कल यूज़ करना है दही को, तो अभी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो अच्छी तरह से वो एकदम अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बना है दही, और मलाई भी एकदम बढ़िया लग रही है। मैंने अभी गेहूं का आटा ले लिया है थेपले के लिए, उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा थेपले में डालना है इतना ही नमक डालूंगी 1 चम्मच, और ये आदू मर्चा की पेस्ट है
वो डाल देती हूँ। और थोड़ी एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और थोड़े से तिल, व्हाइट तिल डाल देती हूँ मैं। मेथी भी डाल देती हूँ। और मैं अभी आटा गूंद लेती हूँ अच्छी तरह से, मिक्स कर लेती हूँ। अभी मेरा थोड़ा आटा हो गया है, मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी और वापस मिक्स कर दूंगी। ये मेरा आटा हो गया है रेडी थेपले का। मैं कभी कभी इसमें दही भी डाल लेती हूँ, पर मुझे कल के लिए चाहिए इसलिए मैंने दही नहीं डाला है। ये इमली और खजूर भी मैंने कुकर में रख दिया था, 2-3 सीटी लगा ली है कुकर की, ये अच्छी तरह से पक गए। इसको भी मैं अभी इसमें डाल देती हूँ। इसको ठंडा होने के बाद मैं इसको हाथों से, बहुत गर्म है, बी निकाल देती हूँ पहले सबके इसमें से, खजूर के। खजूर और इमली की मीठी चटनी भी रेडी हो गई है। पानीपुरी रगरा के लिए सफेद चने भी भिगो दिए थे मैंने, ये भी अच्छी तरह से भीग गए हैं। अभी मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। गरम थेपले तैयार है, बनाते भी जाओ और खाते भी जाओ। और बाहर से चाय मंगाई है। तो यहाँ पे शाम का नाश्ता हो रहा है। ये मेरी बीबी ने बढ़िया बढ़िया थेपले बनाए हैं, उसमें मेथी, फिर तिल डाले हैं थोड़े, और ये पार्सल चाय मंगाई है। अभी चाय बनाने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है, तो मैं जाके पार्सल चाय लेके आया था। ये लड़का भी खा रहा है। हाय फ्रेंड्स, गर्मा गर्म थेपले और बाहर से मंगाई है चाय। और वहाँ हमारी मैडम है, मैडम आलम सोई हुई है। देखो कैसे चाय की चुस्कियां मुझे से जा रही है, हम सुर करके इलायची वाली चाय, इलायची। चलो तो मिलते हैं बाद में। चाय की टेस्ट ही नहीं डाली। मैं इतना प्यार से घर में चाय बनाता हूँ तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बोलते हैं बाहर की चाय की टेस्ट ही अलग है। मैं बाहर नहीं चाय अलग है टेस्ट लागे जो है नहीं पाजी ना जो अटलू नानी आपे अटले વધારે ટેસ્ટ માં આવે આપણી ઘર માં મોટો ગ્લાસ ભી પીએ ને ચા તો ભી બરાબર ટેસ્ટ માં નહીં લાગે પણ આની નાની ચાય માં ટેસ્ટ કેવો હોય। ये रगरा भी तैयार हो गया है पानी पूरी का, वटाना अच्छी तरह से हो गए हैं। एक दिन खाने के लिए कल का सातम है तो एक दिन के लिए कितना सारा खाना बनाना पड़ता है। अभी सारा खाना बन गया है, एक दिन सातम होती है, एक ही दिन। कल सातम है, आज रांधल छते तो आज खाना बनाना पड़ता है, और कल आज का खाना कल खाना पड़ता है, तो इतना सारा खाना बनाना पड़ता है ना पूछो ही मत। सैंडविच किया है, आलू बॉईल किए हैं सैंडविच का है, फिर पानीपुरी का सब प्रोग्राम किया है कल रात के लिए, उसका भी चटनी, मीठी चटनी, तीखा चटनी, पानी तो मैं कल बनाऊंगी,
पर उसका चटनी सब मैंने पीस के रख दिए फ्रिज में। और कल दोपहर को तो मम्मी के घर पे जाना है खाने के लिए, तो मम्मी ने तो बहुत सारा बनाया है, मतलब कढ़ी, राइस, मूंग, बटेटा की भाजी, सब कुछ मम्मी ने दोपहर का खाना उधर जाना है। और कल रात को खाना मेरे घर पे है। एक दिन के लिए इतना खाना बनाना पड़ता है ना, पर मजा आती है। हम लोग में रांदल चौथ और सातम में बहुत एंजॉय करते हैं। खाना बनाते बनाते 7 बज गए। अभी पूरा गैस क्लीन करूंगी मैं, अच्छी तरह से उसको वॉश करूंगी। आज पूरा साफ करना है, एक भी गैस के ऊपर कुछ भी नहीं रखना है आज रात को। और पूजा करनी है रात को, आज शायद 9 बजे या 9:30 बजे हम लोग को पूजा कर लेनी है गैस की। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको शायद ये कल वीडियो में आएगा, क्योंकि बहुत लेट करेंगे ना पूजा, 9:30-10 बज जाएंगे। तो फिर वो मैं कल वीडियो में डालूंगी किस तरह हम लोग गैस की पूजा करते हैं। शीतलाई माता का प्रवेश घर में होता है रात को, वो सब मैं आपको कल वीडियो में दिखाऊंगी। दोस्तों आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। न दिव्या बोल, हाँ। बोल सब्सक्राइब कर, सर को बोलवानू बोल, इसको तो थोड़ा शर्म लग आता है, तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और कल का वीडियो जरूर देखना। बाय।